أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. As you know that we have started a new lecture series on use of emerging technologies in the library. Today I will present lecture number 17, Telelifts. I myself, Robin Hussain, an MPhil scholar in library and information science. If you have any feedback or comments or any query regarding my lectures, so you can write to abhijitsen@gmail.com. आज का जो मेरा अनुवान है लेक्चर नंबर 17 में वो टेलीलिफ्ट लिफ्ट क्या है उस पर हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि ये यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन लाइब्रेरी का हिस्सा है। तो मैंने इसीलिए इस सब्जेक्ट को कवर किया हुआ ताकि इसके तमाम लेक्चर्स को मैं कवर करूँ। तो स्टे विद अस। टेलीलिफ्ट यूज इन द लाइब्रेरीज। टेलीलिफ्ट प्ले द सिग्निफिकेंट रोल्स इन मॉडर्न लाइब्रेरीज बाई ऑफरिंग इफिशियंट एंड इफेक्टिव सोल्यूशंस फॉर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग लाइब्रेरी मटीरियल्स, optimizing space usage, improving accessibility, and enhancing overall library operations. Telelifts in libraries contribute to operational efficiency, space optimization, accessibility, and preservation of library collection, making them valuable assets in modern library environment. Telelifts kya hai? Aajkal jo na modern library mein ek railway ki patli ki manin jo na ek cabin banaye hue hote, और जो भी कस्टमर सर्कुलेशन डेस्क पे ऑर्डर करते हैं एक किताब की, तो जो कंसर्न असिस्टेंट होता है उस बुक को उस ट्राली में डाल देते हैं और वही जो है ना विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब वो आके सर्कुलेशन पे हाजिर हो जाती है और ऑटोमेटिकली इशू हो जाती है। तो जो मॉडर्न लाइब्रेरियाँ हैं उसमें टेलीलिफ्ट्स का इस्तेमाल है। अब ये लिफ्ट नहीं है जो जिसपे हम लाइब्रेरी बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं। ये टेलीलिफ्ट से मुराद ये कि एक रेल की पटली की मानिंद छोटा सा डब्बा हुआ होता है और उसमें जो भी बुक कस्टमर को चाहिए उसको ऑर्डर करते हैं और वही टेलीलिफ्ट में जो ना डाला जाता है और उसी से जो ना बंदा इशू कर सकता है। तो मैं इस पे पहले भी हैरान थे कि टेलीलिफ्ट क्या है, क्योंकि मैंने जब इसको स्टडी किया और इसकी कुछ वीडियो देखी तो मुझे मालूम हो गया कि टेलीलिफ्ट तो बहुत कारामद चीज़ है। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ टेलीलिफ्ट्स इन द लाइब्रेरीज। ऑटोमेटेड रिट्रीव एंड स्टोरेज। टेलीलिफ्ट सिस्टम ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग लाइब्रेरी मटेरियल्स। दे कैन क्विकली एंड एक्यूरेटली लोकेट आइटम बेस्ड ऑन यूजर रिक्वेस्ट, रिड्यूसिंग मैनुअल हैंडलिंग एंड सेविंग टाइम फॉर द लाइब्रेरी स्टाफ एंड पेटरन्स। दिस ऑटोमेशन इम्प्रूव्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ लाइब्रेरी ऑपरेशंस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑटोमेटिक रिट्रीव एंड स्टोरेज सिस्टम है लाइब्रेरी में लगाया गया है। क्विकली और एक्यूरेटली आइटम्स को लोकेट करते हैं, यूजर जो ही रिक्वेस्ट करते हैं तो लाइब्रेरी स्टाफ पैटर्न को वही सर्विसेज टेलीलिफ्ट के जरिए मुहैया करते हैं। ऑप्टिमाइजिंग स्पेस यूटिलाइजेशन। टेलीलिफ्ट्स आर ऑफन पार्ट ऑफ हाई डेंसिटी स्टोरेज सॉल्यूशन इन लाइब्रेरी। दीज सिस्टम्स कैन कंपैक्ट शेयर एंड यूटिलाइज वर्टिकल स्पेस मोर इफेक्टिवली, अलाउइंग लाइब्रेरीज टू स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल्स इन अ स्मॉलर फुटप्रिंट। This is especially beneficial for libraries with limited space or those looking to maximize their storage capacity. इसमें जो भी लाइब्रेरी के मवाद होते हैं उससे स्पेस यूटिलाइजेशन में कमी आ जाती है और हाई डेंसिटी स्टोरेज की जो प्रॉब्लम्स है लाइब्रेरी में उसको यूटिलाइज करके शेल्फ्स के लिए जगह बचा सकते हैं, वर्टिकल स्पेस बनाया जाता है और लाइब्रेरी को अलाउ करते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल इन अ स्मॉल फुटप्रिंट, मतलब जितनी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है इसी में रख के जो है ना कस्टमर को पहुंचाया जा सकते हैं। इनहांसिंग एक्सेसिबिलिटी। टेलीलिफ्ट्स कंट्रीब्यूट टू मेकिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज मोर एक्सेसिबल टू ऑल पैटर्न्स इंक्लूडिंग दोज विद मोबिलिटी चैलेंजेस और डिसेबिलिटीज। बाय ऑटोमेटिंग द रिट्रीवल एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल टेलीलिफ्ट्स ensure that user can easily access items without physical barriers, promoting inclusivity in the library service. जैसे कि लाइब्रेरी में हर किस्म के कस्टमर आ जाते हैं, उसमें मजदूर भी होते हैं और ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए डिसेबिलिटी हो या कोई और ऐसे चैलेंजेस हो, तो टेलीलिफ्ट्स जो है इसकी एक्सेसिबिलिटी इन्हांस करती है और लोगों को ऑन हैंड सर्विस मुहैया करते हैं। इसके अलावा स्ट्रीमलाइन सर्कुलेशन प्रोसेस। टेलीलिफ्ट्स कैन स्ट्रीमलाइन सर्कुलेशन प्रोसेस बाय फैसिलिटेटिंग द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट लाइब्रेरी एरियाज सच एज सॉर्टिंग, कैटलॉगिंग एंड सर्कुलेशन डेस्क। दिस इंप्रूव्स द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ बुक रिटर्न, चेकआउट एंड अदर सर्कुलेशन टास्क।
सर्कुलेशन प्रोसेस में इसका काम बड़ा आसान है। ये बुक को सॉर्टिंग करते हैं, कैटलाग पर्पस के लिए सर्कुलेशन डेस्क पे लाया जाता है। इसके साथ जितनी किताबें वापस आई उसमें डाल के अपनी शेल्फ पे पहुंचा देती है। ऑटोमेटिक बटन लगा हुआ होता है। प्रिजर्वेशन आप रह रहे पे जार में चले इन स्पेशल कलेक्शन आर आर्काइव विद इन लाइब्रेरीज टिल लिफ्ट आर यूज टू हैंडल रेयर फ्रेजाइल आर वैल्यूएबल मटेरियल विद केयर। टेक एंड ट्रांसपोर्ट डेलिकेट आइटम्स टू स्कैनिंग आर यूटिलाइजेशन सेक्शन stations preserving historical documents manuscript and artifacts for future generation। आपके पास आर्काइवल जितनी मटेरियल है टिले लिफ्ट के इस्तेमाल से ये होता है कि वो हाथों में बहुत कम रगड़े जाते हैं। तो ऐसी वैल्यूएबल मटेरियल्स के लिए टिले लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्कैनिंग में डिजिटाइजेशन स्टेशन में या प्रिजर्विंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई कारामंद है। Integration with library management system. TeleLifts can be integrated with library management system and catalog database to automate inventory tracking, update item statuses, and manage materialized movements seamlessly. This integration enhances data accuracy and helps libraries to maintain organized collection. Supporting digital initiative. TeleLifts play a role in supporting digital initiative libraries by facilitating the handling of physical material that require digitization. They can transport items to digitization section, manage workflows, and seamless the conversion of analog resources into digital formats. अच्छा, जो आजकल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, एक क्लिक की बदौलत जो ना ये टिले लिफ्ट आपको चीजें मुहैया करती है, आप वापस ले जा सकते हैं। ये डिजिटल इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा है। जब आप कोई चीज जो है ना मैनुअल से डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो टिल लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसी में रखा जाता है, उसी को जाके स्कैन और या दूसरे फॉर्मेट से जिन्हें फिजिकल फॉर्मेट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है टिल लिफ्ट के जो फंक्शन है आपको समझ आई होगी। आपने अगर इस टॉपिक को मजीद एक्सप्लोर करना है तो आप गूगल करें, लेकिन गूगल पे बहुत लिमिटेड मवाद इस पर अवेलेबल है, किताबों में भी नहीं है। तो मैंने कुछ वेबसाइट्स तलाश करके उसी से प्रेजेंटेशन बनाई। आप इसको देख लें, पढ़ लें और लोगों के साथ शेयर भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।